तो यहाँ पर हमारे पास अब जो है वो प्रश्न संख्या हमारे पास पांच, और प्रश्न संख्या पांच को हम लोग कैसे कर सकते हैं, क्या कह रहा है प्रश्न, आओ जरा हम बात करते हैं। प्रश्न संख्या पांच कह रहा है एक त्रिभुज एबीसी की भुजाओं ए बी बी सी और सी ए के मध्य बिंदु क्रमशः डी ई और एफ है, क्या कह रहा है प्रश्न, जरा हम पिक्चर बनाते हैं फिर बात करते हैं। तो हमारे पास जो है ना एक त्रिभुज दिया हुआ है, एक त्रिभुज कौन सा है, ए बी सी है, क्या है, ए बी सी है। अब क्या कह रहा है कि मध्य बिंदु इसके क्रमशः डी ई और एफ है, मतलब ए बी का मध्य बिंदु डी है, इसके बाद BC का मध्य बिंदु जो है वो E है, और यहां पर देखेंगे AC का मध्य बिंदु F है, AC का मध्य बिंदु F है। इस प्रकार से अगर हम इस तीनों पॉइंट को मिला दें तो हमारे पास एक ट्रायंगल बन रहा है DEF, क्या बन रहा है, एक त्रिभुज बन रहा है DEF। तो हमको क्या कह रहा है, त्रिभुज DEF और त्रिभुज ABC के क्षेत्रफलों का अनुपात हमको निकालना है। सबसे पहले तो अपने पास क्या दिया है वो हम नोट कर लेते हैं, उसके बाद कुछ बातों के बारे में बात करते हैं। गिवन क्या है, त्रिभुज ए बी सी, यहां से देखेंगे त्रिभुज ए बी सी की भुजाओं भुजाओं ए बी बी सी और ए सी का मध्य बिंदु क्रमशः डी ई और एफ है, ठीक है, ये बात। ए बी का मध्य बिंदु डी है, बी सी का मध्य बिंदु ई है, और ए सी का मध्य बिंदु एफ है, बातें समझ में आ गई, चलो। और हमको साबित क्या करना है या ज्ञात क्या करना है, साबित नहीं करना है, ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है हमको कि एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF और एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC ये हमारा क्या होने वाला, ये हमको निकालना है। तो ऐसे देखो, अगर ये कॉन्सेप्ट को समझो है ना, तो बिल्कुल आसान प्रश्न है। अगर हम बता दें तुमको कि मान लो हमारे पास एक त्रिभुज PQR है, PQR है, PQ का मध्य बिंदु क्या है, PQ का मध्य बिंदु मान लो M है, और PQ का मध्य बिंदु, ये R है ना, PQ का मध्य बिंदु M है और PR का मध्य बिंदु N है, हमने इसको मिला दी। तो किसी भी त्रिभुज में अगर हम इस प्रकार से कोई रेखा खींचे कि उसके दो मध्य बिंदुओं को मिला रहे हैं, मतलब PQ और PR त्रिभुज ए PQR की दो भुजाएं हैं, और PQ का मध्य बिंदु M है, PR का मध्य बिंदु N है, अब इस मध्य बिंदु को अगर मिला देंगे ना तो दो बात होंगी, पहला होगा MN समांतर हो जाएगा QR के, MN समांतर हो जाएगा QR के, दूसरी बात होगा MN बराबर हाफ QR, ये हमने 9th क्लास में मध्य बिंदु पर में पढ़ा था, क्लास में पढ़ा था। पहली बात MN समांतर QR होगा, दूसरा MN बराबर क्या हो जाएगा, हाफ QR, ठीक है, बातें समझ में आ गई, चलो। अगर इसको तुम समझ पा रहे हो तो यहां पर देखो, यहां पर देखो, चूंकि चूंकि AB और AC का मध्य बिंदु D और F है, ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, DF समांतर BC हो जाएगा, DF समांतर BC हो जाएगा। दूसरी बात जो निकल के आएगा हमको, वो DF बराबर निकल के आएगा हाफ BC, या हम लिखे DF बट्टे BC, तो ये निकल के आएगा हमारे पास हाफ, DF बट्टे BC बराबर क्या निकल के आएगा, हाफ निकल के आ जाएगा, ठीक है, चलो। इसको समीकरण अपन एक मान लेंगे, तथा यहां पर गौर से देखना, तथा यहां पर गौर से देखना, हमने DF का बात किया, इसी तरह से AB और BC का, AB और BC का मध्य बिंदु क्रमशः क्या है, E और D है, AB का ना D और E है, D और E है, इसका मतलब DE समांतर हो जाएगा किसके, DE समांतर हो जाएगा AC के, और इसका मतलब हो जाएगा कि DE बराबर हाफ AC या DE बट्टे AC बराबर हाफ हो जाएगा, समीकरण दो हो जाएगा, समीकरण दो हो जाएगा हमारा। इसको मिटा देते हैं और आ जाओ आगे, तो दो रेखाओं के बारे में बात करें, तीसरी रेखा के बारे में बात करें, इसी तरह, इसी तरह अगर हम बात करेंगे BC और AC, BC और AC का मध्य बिंदु
बी सी और ए सी का मध्य बिंदु क्या है? ई और एफ है, ई और एफ है। अतः अपन क्या लिख सकते हैं, अतः अपन क्या लिख सकते हैं, अपन क्या लिख सकते, देखो बी ई ई एफ है ना, तो ये हो जाएगा हमारा ई एफ समांतर ए बी, ई एफ समांतर ए बी हो जाएगा। देन हम इसको लिख सकते हैं ई एफ बराबर हाफ ए बी, ई एफ बराबर हाफ ए बी, या ई एफ बट्टे ए बी बराबर हाफ, समीकरण तीन। अब अगर समीकरण एक दो और तीन से देखें तो हाफ 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 सब में नजर आ रहा है, तो क्या लिखेंगे? समीकरण एक दो और तीन से क्या हो जाएगा, जब बताओ हमको क्या हो जाएगा, बता दो बाबू क्या हो जाएगा। पहले तो बी डी एफ बट्टे बी सी, डी एफ बट्टे बी सी हो जाएगा, बराबर हो जाएगा डी बट्टे ए सी के, डी ई बट्टे ए सी के बराबर हो जाएगा ई एफ बट्टे ए बी के। और ये जो बराबर हो रहा है ना, ये त्रिभुज है ना, ये त्रिभुज डी ई एफ और ए बी सी के भुजाओं का अनुपात है। अगर किसी त्रिभुज में भुजाओं का अनुपात, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है, मतलब त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा, है ना। ये त्रिभुज डी ई एफ और त्रिभुज ए बी सी के भुजाओं का अनुपात है, क्या है, अनुपात है। अतः क्या हो जाएगा, त्रिभुज डी ई एफ समरूप हो जाएगा त्रिभुज ए बी सी, पहली बात। तो यहां से क्यों हो जाएगा, ये बताता है एस 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 समरूपता प्रमेय से, ठीक है। बट हमको ये चाहिए नहीं था, हमको चाहिए क्या, अब हमको चाहिए यहां पर जो पूछ रहा है ना, एरिया ऑफ ट्रेंगल डी ए बट्टे एरिया ऑफ ट्रेंगल ए बी सी का अनुपात चाहिए, तो हम निकाल लेते हैं। तो अगर हम लिखेंगे एरिया, अब एरिया ऑफ ट्रेंगल डी ई एफ बट्टे एरिया ऑफ ट्रेंगल ए बी सी, ये अनुपात चाहिए। तो यहाँ पर ये जो त्रिभुज, जो दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल जो है ना, उनके भुजाओं के वर्ग के बराबर, भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो हम कोई भी एक भुजा को यहाँ पर पकड़ सकते हैं, सपोज अपन पकड़ लेते हैं डी एफ बट्टे बी सी, डी एफ बट्टे बी सी का वर्ग एक का पकड़ लेते हैं, तो यहाँ से निकल जाएगा एरिया ऑफ ट्रेंगल डी ई एफ बट्टे एरिया ऑफ ट्रेंगल ए बी सी। और हमको क्या पता है कि डी एफ बट्टे बी सी कितना निकला, अभी अभी तो हमने किया है ना एक बार, सब तो एक बट्टा दो ही निकल रहा है, एक बट्टा दो का स्क्वायर कर लेंगे। तो एरिया ऑफ ट्रेंगल डी ई एफ बट्टे एरिया ऑफ ट्रेंगल ए बी सी बराबर कितना हो जाएगा, एक बट्टा चार, इट मीन्स कि ये हो जाएगा एक अनुपात चार। ये तुम्हारा सॉल्यूशन हो गया, आसान सा हल है, ठीक है। अगले प्रश्न को देखें।